नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज हम गणित में प्रश्नावली 2.2 का दो नंबर बताने जा रहे हैं, जिसमें से कि आपको पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी कि एक द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपको दो तरीका से पूछा जाएगा, यानी कि आपको एक पहला तरीका है उसमें आपको शून्यक दिया जाएगा, शून्यक दिया जाएगा यानी कि अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा, जो कि इसे हम एडवांस में रखे हैं, इसके बाद बताएंगे। और एक दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको दिया जाएगा शून्यंकों का योग यानी मूलों का योग तथा शून्यंकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल दिया रहेगा। तो दोस्तों आपको आसानी से यह बन जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर जो शून्यक दिया जाता है तो उसमें थोड़ा को जोड़ना घटाना पड़ता है, यानी कि शून्यक निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक के योग, तो शून्यक का योग आप सभी जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यही चीज हमको दिया गया है, ठीक है, तथा गुणनफल, तथा गुणनफलों गुणनफल दिया गया, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, क्रमशः दी गई है संख्याएं यहाँ पे दिया गया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर तक है। तो हम पहला नंबर बना रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पहला नंबर बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे सोल्यूशन लिख लीजिए। अगर दो नंबर में पूछेगा तो इस तरह से बनाना है, अगर आप ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट बनाना है सोल्यूशन। तो हमको पहला वाला यानी कि एक नंबर बना रहे हैं, ये वाला प्रश्न बना रहे हैं, तो पहला हमको क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यंकों का योग दिया गया है, तो एक बटे चार हो जाएगा। और फिर शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में हो जाएगा -1, ठीक। तो ये चीज हमको दिया गया है। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद, ना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हमें अब बैठा देना है मान, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना दिया गया है, एक बटे चार, तो एक बटे चार बैठा दिए एक्स प्लस इसका मान कितना दिया है, माइनस एक, तो माइनस एक ब्रैकेट में रख के दे दिए। उसके बाद फिर देखिए एक्स स्क्वायर, और ये जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक बटे चार एक्स ऊपर चल जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक। तो अब हमें क्या करना, इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ये बात आएगा, और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए कि चार से गुना करने पर, चार से गुना करेंगे तो चार से गुना करेंगे, इसमें भी चार से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, चार एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसको चार से गुना करेंगे यानी कि चार गुना, यानी कि एक एक्स है, एक एक्स ऊपर आता है, चार बटे एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार गुना एक, तो देखिए आपका ये चार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यानी कि चार एक्स स्क्वायर और माइनस ये चार चार कट गया एक्स और फिर माइनस चार, तो ये आपका आ गया एक द्विघात बहुपद। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम दूसरा नंबर बनाते हैं, अब दूसरा नंबर प्रश्न है रूट टू और वन बटे थ्री है। तो पहला हमको क्योंकि दिया गया शून्यंकों का योग, तो पहला क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट टू और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे तीन। तो हमें द्विघात बहुपद उसी तरह से बैठा देना है, लिखना है एक बार यहाँ पे क्या लिखिएगा, द्विघात बहुपद लिख लीजिए, द्विघात बहुपद है
कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस नहीं प्लस, यहाँ प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर में ये तो उतर जाएगा इसे, फिर माइनस इसका मान कितना दिया गया है रूट टू, तो इसका मान हो जाएगा रूट टू, और एक्स अब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, इसका मान कितना दिया है एक बटे तीन, एक बटे तीन, तो बराबर दे करके एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट टूट जाएगा क्या हो जाएगा माइनस रूट टू एक्स, और फिर प्लस इसका ही ब्रैकेट टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर एक बटे तीन। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आप तीन से गुना कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो बड़ा चल जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए तीन से गुना करने पर, तीन से गुना करने पर, तो अब तीन से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इसके साथ भी गुना हो जाएगा तीन से, तो थ्री रूट टू एक्स और फिर प्लस यहाँ पे तीन से गुना होगा एक बटे तीन, तो ये तीन कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा तब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, ये आपका आ गया आंसर, यानी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो नंबर हो गया, अब तीन नंबर बनाना है, तो तीन नंबर में है जीरो रूट फाइव, तो हमें पता है कि पहला वाला पूछा है, पहले यहां पूछा है शून्य अंकों का योग, तब दूसरा में होगा शून्य अंकों का गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा जीरो, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा रूट फाइव। तो अब हमको लिखना है यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ दे दीजिए और द्विघात बहुपद है कितना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर देख करके यहां से ये तो ऐसे ही उतरेगा, माइनस इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है अल्फा प्लस का जीरो, तो यहां पर हो जाएगा जीरो, फिर माइनस इसका मान कितना दिया है रूट फाइव, तो रूट फाइव हो गया। अब देखिए ये अगर यदि सबको क्या जीरो है तो ये गुणम, यानी कि तो गुणम है ब्रैकेट रहेगा तो गुना होता है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि गुना होगा इससे, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ प्लस होता है जी, प्लस होता है, प्लस होता है, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा तो रूट फाइव। अब क्या होगा यहाँ आपका यानी कि जीरो हटा दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, यही आपका हो जाएगा एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद। अब तीसरा हो गया, अब चौथा नंबर बनाना है, तो चौथा नंबर प्रश्न है एक और एक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक, तो यहां पर लिखिए द्वि घात बहुपद, द्वि घात बहुपद कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहां हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अब यहां पर इसका मान यही रह जाएगा माइनस इसका पूरे का मान कितना दिया गया है एक, तो एक बैठ जाएगा एक्स, फिर प्लस इसका भी मान आपको दिया गया है एक, इसका अल्फा इंटू बीटा का मान एक, तो एक हो जाएगा, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर माइनस ये तो इससे एक गुना होगा तो ये एक्स से हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एक द्विघात बहुपद। अब अगला प्रश्न देखते हैं,
अब पांच नंबर प्रश्न देखेंगे। पांच नंबर प्रश्न है माइनस एक बटे चार, फिर है एक बटे चार, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस एक बटे चार, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है एक बटे चार। तो यहाँ पर लिखना शुरू करिए, एक द्विघात निकालना है तो यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है कितना होता है इसका, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, रूप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो बराबर है, बराबर दीजिए। अब इसको ऐसे उतरेगा, उसके बाद फिर माइनस, इसका मान कितना दिया गया है माइनस एक बटे चार, यहाँ देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस एक बटे चार, और ये एक्स में फिर प्लस इसका मान है सिर्फ एक बटे चार, तो डायरेक्ट लिख दीजिए एक बटे चार। तो अब यहाँ पर क्या होगा बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इससे गुना हो जाएगा, यानी कि एक एक्स, यानी कि एक तो छुपा रहता है, लिखना जरूरी नहीं है, एक छुपा रहता है, तो चार और प्लस एक बटे चार। देखिए अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो थोड़ा एक दो स्टेप बड़ा हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसको चार से सभी में गुना कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चार से गुना करने पर, चार से सभी में गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आंसर उतना ही आ जाएगा, आप एलसीएम लीजिए तो उतना आएगा लेकिन बड़ा जाएगा, लेकिन इस तरह से जल्दी बनेगा। तो इसको चार से गुना करेंगे इसमें, तो चार एक्स स्क्वायर फिर प्लस है प्लस, यहाँ पे गुना होगा चार गुना एक्स बटे चार, यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ भी चार गुना एक बटे चार। तो देखिए ये आपका उतर जाएगा सेम, चार एक्स स्क्वायर प्लस ये चार कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया सिर्फ एक्स प्लस ये चार कट जाएगा, तो आपका कितना बच गया एक। तो यही हो गया आपका द्विघात बहुपद, यानी कि फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। तो चलिए अब हम पचवां और प्रश्न बताते हैं, अब हम पचवां और प्रश्न बताते हैं, अच्छे से समझ गए होंगे। छठा नंबर प्रश्न को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो डायरेक्ट बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर छठा नंबर में हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा, चलिए नहीं उतार ही लीजिए, सवाल उतार ही लीजिए। तो कितना दिया गया है, चार और एक है, चार और एक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर चार, अल्फा इंटू बीटा बराबर एक, तो द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का स्वरूप कितना होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बराबर दे करके ये तो ऐसे उतरेगा, अब फिर माइनस, इसका मान कितना दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान चार, तो चार हो जाएगा एक्स, फिर प्लस, अब देखिए इसका मान कितना वन है, तो ये वन ही हो जाएगा। तो बहुत ही साधारण था, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स हो जाएगा और फिर प्लस वन हो जाएगा। चलिए ये बहुत ही आसान था, तो ये हो गया। तो दोस्तों हम प्रश्नावली 2.2 का पूरा बता दिए, अब हम कुछ एडवांस में सवाल देखेंगे। तो दोस्तों एडवांस में जो कि पूछा गया है सवाल, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, वही बताएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज हम ऑब्जेक्टिव में बहुपद का द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको दो तरह से पूछा जाएगा, पहला आपको शून्यंक दे दिया जाएगा जो कि अल्फा और बीटा होता है, और दूसरा पूछा जाएगा आपका शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो आइए सवाल में देखते हैं, जैसा कि अभी से हम छोड़ रहे हैं दो नंबर देख रहे हैं, जैसा कि सवाल पढ़ रहे हैं आप,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर आप द्विघात बहुपद का स्वरूप नहीं जानते हैं तो देखिए, द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है, आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा और इंटू बीटा होता है। ये द्विघात बहुपद का क्या है, स्वरूप है। हमें यही ज्ञात करना है इसी पे बैठा करके। तो आपको क्या करेगा कि अगर आपको ये तो आप जनवे करते हैं क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यंकों का योग या मूलों का योग बोलते हैं, जो कि माइनस बी बटे ए होता है। तो ये सभी हम आपको बता चुके हैं और इसे भी आप लोग पहचानते होंगे क्या बोलता है इसको, अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या बोला जाता है, मूलों का गुणनफल या मूलों का गुणन या शून्यंकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यंकों का गुणनफल बोला जाता है। तो इसे यह इसका बराबर क्या होता है, सी बटे ए। तो दोस्तों ये सभी हम बता चुके हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो ये आपका स्वरूप है, ये आपका स्वरूप है, यानी ऐसा ही हमें बनाना है। तो ये चीज बनाने के लिए आपको दो तरह से पूछा जाएगा। पहला तरह हम बता रहे हैं यहाँ पर, एक सवाल लिए हैं, उसके बाद एनसीईआरटी बुक में ये पूरा भरा हुआ है 2.2 में। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, जिसका शून्यंकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग तथा शून्यंकों का गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है, क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो यानी कि पहला हमको क्या दिया, शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग हो जाएगा क्या, माइनस तीन। तथा क्या दिया गया यहाँ पे, शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल कैसे होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस दो दे दिया है। अभी तो सब जनवे करते, ये हमको दिया गया है यानी कि मान निकला हुआ है ये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा प्लस लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहां हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम इसका मान हमको दिया गया है, तो इसका मान हमको कितना दिया गया, माइनस तीन। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे माइनस तीन, इसके अंदर में माइनस तीन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स है तो एक्स के साथ लगा देंगे, फिर प्लस इसका मान कितना दिया गया है, दो, तो यहाँ पे दो लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा थ्री एक्स और फिर प्लस दो। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो याद रखिए, दो तरह से पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आपको शून्यक दे दिया है, क्या दिया है, शून्यक, यानी कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक निकलता है और रैखिक बहुपद में एक शून्यक निकलता है। तो यानी कि इसमें दो शून्यक निकलता है तो अल्फा और बीटा निकलता है, तो अल्फा बीटा का मान इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें आपको पूरा दे दिया है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, जब आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे तो देखिएगा कि अगर शून्यंकों का योग दे दिया है या शून्यंकों का गुणनखंड दे दिया है तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख करके बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा, लेकिन इसमें हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। तो देखिए, अब ये सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है हर साल, इस तरह का एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछेगा ही पूछेगा। तो आपका एक नंबर पक्का है इस वीडियो से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अभी तक आप समझ गए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो आइए अब शून्यांक हमको दिया गया है इस प्रश्न में, जैसे कि बताएं आपको तो सवाल पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यक निम्नलिखित है। तो दोस्तों एक नंबर बना रहे हैं आप, यहाँ पर हर सवाल में सोल्यूशन आप हिंदी में हल लिख सकते हैं या शॉर्टकट में सोल्यूशन लिख दीजिए। तो एक नंबर बना रहा है हमको क्या दिया गया है, -3 और 4, तो ये क्या है, शून्यक है, शून्यक है। तो यानी कि हम मानेंगे क्या, अल्फा बराबर आपका हो गया -3 और बीटा, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा 4। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा और बीटा का योग चाहिए और गुणनफल चाहिए। तो अल्फा बीटा का योग निकाल लेते हैं पहले, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक क्या है मेरा -3, तो अल्फा -3 है तो -3, अब फिर प्लस बीटा कितना है 4 है, तो 4, तो ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4 यानी कि 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान हमें अल्फा कितना आपका, अल्फा ए यानी कि -3 गुना बीटा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 12 यानी कि -12 हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा इतना हो गया और अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो ऐसे लिख लीजिए, होता है x² - α + β और x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हमें इसका तो मान ऐसे रहेगा माइनस, और इसका मान टोटल कितना निकला है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 1 निकला है, तो 1 बैठा देंगे और x इसके साथ में गुना में तो लगा देंगे, प्लस इसका मान कितना है आपका -12, तो -12 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए, तो ये x यहाँ पर से, उसके बाद ये हो जाएगा आपका x² और ये एक ब्रैकेट टूट जाएगा, क्या हो जाएगा -1, यानी x ही रह जाएगा x, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुणों में, तो ये कितना हो जाएगा तब -12। तो यही आपका क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, x² - x - 12, ये आपका द्विघात ज्ञात हो गया एक नंबर का। अब दूसरा नंबर देखिए, अब दूसरा नंबर हम बना रहे हैं, तो दूसरा नंबर ये पहला नंबर था, अब दूसरा नंबर देखिए, तो दूसरा नंबर उसी तरह बनाना है आपको, यहाँ पर सवाल लिख लेना है, दो नंबर दे करके क्या दिया गया है, √3 + 1 और दूसरा क्या है आपका √3 - 1, तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका √3 + 1 और फिर बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा आपका √3 - 1, ठीक। तो अब हमें निकालना है इसका अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में, तो अल्फा कितना है √3 + 1, ठीक, अब प्लस दे देंगे क्योंकि बीटा, बीटा का मान लिखना है, तो √3 - 1, तो अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक ठिया कर देंगे, यानी √3 प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों एक ठिया आ जाएगा प्लस वाला, ये प्लस में 1 भी है, 1 दे देंगे और माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा एक जैसा है, तो √3 हो गया, √3 हो गया आपका। अब हमें ज्ञात करना, दोस्तों ये आप उतार लिए होंगे यहां तक में, अच्छे से उतार लीजिए इसको यहां से यहां तक, अब ये दो नंबर प्रश्न बता रहे हैं तो हम मिटा रहे हैं इसको, तो अब ये क्या होगा यहां पर से देखिए, अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, अब निकालना, ये अल्फा प्लस बीटा कर गया, अब हमें निकालना है
अल्फा इंटू बीटा बराबर में, तो ये गुणम है तो गुणम लिखा जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में ले लेते हैं √3 + 1, और फिर ये हो जाएगा √3 - 1। तो ये देखिए आप कि ऐसा एक मन में सूत्र होता है, क्या होता है आपके मन में होगा, 9th 8th से ही शुरू है यह सूत्र, तो a+b ब्रैकेट ऑफ और a-b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका बराबर सूत्र क्या होता है, a² - b² होता है, इस तरह से होता है। तो हम इतना दिया गया ना कि ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी, ये बी, ये बी, बी माइनस माइनस में हम सेम मिल रहा है, तो अब हम इतना लिख सकते हैं इसके बराबर। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, तो यहां पर हो जाएगा तब इस तरह से हो जाएगा a² - b² तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यानी कि 3 रूट खत्म हो जाएगा, माइनस इसका एक का एक ही होगा, तो कितना हो जाएगा 2, तो अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा √3 हो गया, 2√3 हो गया। तो अब इसका क्या होता है, द्विघात बहुपद यहाँ से लिख देते हैं हम, इसलिए द्विघात बहुपद यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं, आप लोग को दिखाई देता होगा द्विघात द्विघात बहुपद है, यानी कि x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको यहां से बैठा देते हैं मान, तो x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला आपका, 2√3, तो इसके अंदर बैठ जाएगा 2√3 और एक्स, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, इसका मान कितना निकला है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 निकला है, तो यहाँ पर 2 बैठ जाएगा, तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो x² - तो इधर से हो जाएगा 2√3x और +2, तो ये आपका निकल गया आंसर, यानी कि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद निकल गया x² - 2√3x +2। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसी तरह से आप अगला प्रश्न बना बना सकते हैं, तो चलिए अगला ही प्रश्न आपको बता ही देते हैं। एक नंबर हो गया, दो नंबर हो गया, अब 3 नंबर, तो 3 नंबर यहां पर लिखेंगे, 3 नंबर दिया गया है, 1/2 और -3/2, तो यहां पर आप सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख सकते हैं, तो अल्फा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -3/2, तो हमें निकालना है पहले क्या, शून्यंकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और फिर प्लस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इसका यानी माइनस, -3/2 ब्रैकेट लगा दें क्योंकि माइनस था इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 1/2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो एक बार में तो एक बार गुना होगा एक ही होगा, माइनस इधर भी एक बार में तो एक बार में गुना होगा, तो इतना हो जाएगा, तो अब ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये घट जाएगा, तो -1 1, नहीं, -2 हो जाएगा, इसका कितना होगा, -3 में एक चला जाएगा, तो -2/2, तो 2 2 कट जाएगा, यानी कि -1, इसका -1 आ गया। अब इसका दूसरा यानी कि क्या मान निकालना है, अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो आपका दोनों गुना होगा, यानी कि 1/2 गुना -3/2, तो कितना हो जाएगा, ये -3 ऊपर रह जाएगा एक बार गुना होगा, तो
ये चार हो जाएगा, तो आपका इतना आ गया। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद है कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा, माइनस इसका मान कितना निकला, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस एक, तो माइनस एक एक्स प्लस इसका मान कितना निकला, माइनस तीन बटे चार, माइनस तीन बटे चार। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लेते हैं माइनस तीन बटे चार बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक एक्स यानी कि एक छुपा रहता है, तो प्लस यहाँ पे यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस तीन बटे चार, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो अब क्या करेंगे, सभी में चार से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखिए चार से गुना करने पर, चार से सही में गुना करने पर, या आप इसका एलसीएम भी ले लीजिएगा तो वही आंसर आएगा, लेकिन चार से गुना करेंगे तो हो जाएगा सभी। तो चलिए चार से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चार एक्स स्क्वायर प्लस ये भी चार एक्स हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा आपका, यानी कि चलिए माइनस चार गुना तीन बटे चार, तो ये चार कट जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स, और फिर ये चार चार कटिया गया तो माइनस तीन, ये चार चार कट गया तो माइनस तीन, ये आपका एक द्विघात बहुपद बन गया। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न चौथा नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर चार। अब चौथा नंबर प्रश्न बनाएंगे, तो चौथा नंबर यहां प्रश्न को लिखेंगे, क्या दिया गया है, थ्री प्लस रूट थ्री कोमा थ्री माइनस और थ्री दे दिया गया है, तो हमें निकालना है पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एक बार पहले लिख लीजिए, अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, थ्री प्लस रूट थ्री, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, थ्री माइनस रूट थ्री, तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा का मान थ्री प्लस रूट थ्री और प्लस, अब बीटा का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, थ्री माइनस रूट थ्री, तो बराबर देख करके प्लस प्लस को एक ठिया कर लेंगे, यानी कि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है तो इधर आ जाएगा, और ये माइनस में तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, यानी तीन तीन कितना हो जाएगा, छः आपका ये छः हो गया। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी गुना में, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं, थ्री प्लस रूट अंडर थ्री और फिर थ्री माइनस रूट अंडर थ्री, तो ये आप देख रहे हैं कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, थ्री पे स्क्वायर माइनस इधर थ्री पे रूट थ्री पे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये नौ हो जाएगा, और इसका मान तीन निकल जाएगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा आपका छः ही हो गया, ये छो तीन नौ यानी कि छः ही हो गया, दोनों का मान आपका छः ही निकला। तो यहाँ पर लिखिए, रुकिए यहीं पर लिखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इसका अल्फा प्लस बीटा का मान छः, तो छः एक्स प्लस, और इसका भी मान कितना है छः, इसका भी मान निकला है छः, तो अब
एक्स स्क्वायर माइनस छ एक्स प्लस छ, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ और फिर ये डायरेक्ट अंत में। अब लास्ट नंबर बचा आपका पांच नंबर, पांच नंबर बचा है। अब पांच नंबर प्रश्न है, आप उतार लीजिए यहाँ पर। तो पांच नंबर क्या था, वन प्लस टू रूट थ्री कोमा वन माइनस टू रूट थ्री, तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका वन प्लस टू रूट थ्री, और बीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस टू रूट थ्री। तो अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि वन प्लस टू रूट थ्री प्लस प्लस दे करके अब बीटा कमन बैठाना है वन माइनस टू रूट थ्री। तो प्लस प्लस को एक ठिया करेंगे, ये प्लस में है और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है टू रूट थ्री, माइनस वाला को लास्ट में रखेंगे टू रूट थ्री। तो ये देख रहे हैं प्लस प्लस में और ये माइनस में है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपका एक एक यानी कि दो हो गया, एक एक कितना हो गया दो हो गया। अब हमें निकालना है इंटू में यानी कि गुना में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ब्रैकेट में ले लेते हैं वन प्लस टू रूट थ्री ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट शुरू वन माइनस टू रूट थ्री। तो इसमें आप गौर करिए थोड़ा दिमाग में कुछ बात आया कि नहीं आया। देखिए ये ए, ये हो गया ये बी हो गया ये ए हो गया ये बी हो गया, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो जाएगा ये, तब यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, एक का तो एक होगा, इसका चार हो जाएगा और इसका खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा गुना में तीन। तो एक माइनस कितना हो जाएगा चार तिया बारह, चार तिया बारह हो जाएगा। अब बारह में एक घट जाएगा, बारह में क्या होगा एक घट जाएगा, तो अब वन माइनस अब कितना हो गया एक माइनस बारह, तो कितना आ जाएगा इसको घट के एक माइनस 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 की बड़ी के साथ है यानी कि माइनस बड़ी संख्या के साथ है, तो माइनस ग्यारह हो जाएगा, माइनस ग्यारह हो गया। अब आप यहां पर लिखिए द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला, अल्फा इंटू बीटा का मान निकला है दो। तो यहाँ पर दो बैठा दीजिए एक्स प्लस, अब इसका मान कितना निकला माइनस ग्यारह, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला माइनस ग्यारह। तो यहाँ ब्रैकेट लेकर के माइनस ग्यारह बैठा दीजिए, तो अब इसको बैठा सॉल्व कर दीजिए, तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस टू एक्स, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुना हो जाएगा माइनस ग्यारह। तो ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। तो दोस्तों अब इतना समझ गए होंगे।